यार मुझे ना हर्निया हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ऑपरेशन कराऊं, किस तरह का ऑपरेशन कराऊं। बड़ा परेशान। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे चीरफाड़ करवाने की क्या जरूरत, तू मेरे साथ चल। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे हर्निया दवाई से ही ठीक किया जा सकता है। नहीं, मानता। अरे भाई कैसा है तू और कैसा है तेरा हर्निया? आज इतने दिनों बाद मिला। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, आज खूब जमेगी जायरों की महफिल। कंट्रोल कंट्रोल। अरे बाहर में गया तू और तेरी सलाहें। क्या हुआ? टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हुआ, फायदा एक पैसे का भी नहीं हुआ। हर्निया कैसा अलग दूर। अच्छा मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो तेरे भले के लिए ही बोला था। चुप चुप। जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो सलाह नहीं देनी चाहिए। हर कोई यहाँ डॉक्टर बना बैठा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सेहत को सुनी सुनाई बातों पे नहीं सुनना चाहिए। अरे इतना क्यों बड़ा तरह, जैसे मैंने तेरे गोली मार दी हो। हाँ ये गोली मारने की तरह ही है। समय से इसका ऑपरेशन ना करवाने पर डॉक्टर अभी बोल रहे हैं कि हर्निया के साथ अभी बढ़ गया है, जिसके रहते इसके दोबारा होने का रिस्क भी बढ़ गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेशन बड़ा होगा। दुख तो मुझे इस बात का है कि ये सब तुम्हारे ऐसे लोगों की वजह से हुआ जो खुद को डॉक्टर समझ बैठते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। आज के बाद ये सब खेल बंद करो और लोगों की जिंदगी के साथ ना खेलो। और भाई कैसा है तू? तू तो अब बुलाता ही नहीं, ना ही फोन करता है। मैंने तो ये सब तेरे भले के लिए किया था ताकि तू चीरफाड़ से बच जाए। तो बम से उड़ा दूंगा। तेरी वजह से मेरा नींबू जैसा हर्निया आम जैसा हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर सलाह देनी तो ये क्यों नहीं बताया कि ये सारा ऑपरेशन अभी दूरबीन से हो सकता है और इसको चीरफाड़ को अवॉइड किया जा सकता है। जिगरी यार को सलाह देने से पहले एक बार अपनी रिसर्च तो पूरी कर लेता। किसी ने तुझे कुछ बोल दिया और तूने आके मुझे बोल दिया। सेहत का मामला है, जब बाजार से सब्जी खरीदनी जाना कि किसी के बोलने पे कुछ भी खरीद लो। गजब बेइज्जती है। अपनी जुबान को काबू में रख, कहीं ऐसा ना हो कि सालों की दोस्ती आज एक पल में टूट जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसी करतूतों के लिए सरकार को कम से कम 10 साल की सजा सुनानी चाहिए। खैर मैं तो तुझे अभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या समय आ गया, भलाई का तो जमाना नहीं। खैर ना तो मैं सलाह देना छोड़ूंगा किसी को और ना ही अपनी डॉक्टरी। मैं तो ऐसा ही हूँ।